you can get the sauce, bitch. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फाइनली गाइस यहां पर मैंने अपने Redmi Note 7 S में Magix 9.4 को इंस्टॉल किया हुआ है। ये जो रोम है Redmi Note 7 और Note 7 S के लिए है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लेके जाके लिया, आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कैसे करना है ये वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। इसमें आपको Android 10 देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। MIUI 11 बेस्ड ये रोम है और इसके फीचर्स की हम बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं बोला प्लीज यार वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको भी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपके पास Redmi Note 7 या Note 7 S है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए अभी नमक तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की जो कि काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख पाओगे एक आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा अलग टाइप का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनिमेशन है ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता है, और ये एनिमेशन है ये MIUI प्रो रोम और यहाँ पर Magix रोम में ही देखने को आपको मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एनिमेशन आ रही है काफी बढ़िया देखने में लगता है। पहला फीचर तो यही है कि इसमें यार जो फीचर है यार ये मेरे को काफी बढ़िया लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप इस एनिमेशन को चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देख पाओगे अब आपको अलग टाइप का एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा, तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। आप जिस तरह की एनिमेशन लगाना चाहोगे उस तरह आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी ये वाला एनिमेशन यूज कर रहा था, तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन हमें देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा देखने में लग रहा है। तो इसमें दो टाइप की एनिमेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये कुछ इस टाइप की एनिमेशन आ जाती है। तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशंस वर्क करती है, जो कि यार काफी बढ़िया फीचर लगा मेरे को इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के, तो नेक्स्ट फीचर्स में आपको डार्क मोड देखने को मिलता है। डार्क मोड का आप इनेबल कर देते हो तो इसमें ग्लोबल डार्क मोड भी देखने को मिलता है। जैसे कि भाई ग्लोबल डार्क मोड का मतलब ये कि अब जितने भी आपके ऐप्स वगैरह होंगे सारे ही डिवाइस में सारे ही ऐप्स में आपके जो भाई डार्क मोड जो वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ सारे ही एप्लीकेशंस में डार्क मोड इनेबल हुआ पड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ डार्क हो चुका है, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। आप बताना आपको कैसा लगा, जब आप इस रोम को इंस्टॉल करोगे तो आपका A to Z जो फ़ोन है वो डार्क हो जाएगा, जो कि यह काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर म्यूज़िक को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर हम चलते हैं ऑल पे और इसको हम कर लेते हैं एग्री। एग्री करने के बाद अब आप देख सकते हो डार्क मोड इनेबल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। तो देख सकते हो डार्क मोड इसमें भी इनेबल हो चुका है। तो ग्लोबल डार्क मोड का फीचर कुछ इस तरह से ही वर्क करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप इसको यूज़ कर सकते हो डार्क मोड को। तो यहाँ पर हम चलते हैं दोबारा डार्क मोड को, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इसमें आपको ग्लोबल डार्क मोड देखने मिलता है, जो कि यार काफ़ी बढ़िया बात है। आप मेरे को बताना ग्लोबल डार्क मोड आपको पसंद आया या नहीं आया। अब हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो इसमें आपको एक फीचर और देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो जब आप इस रोम को इंस्टॉल करोगे तब आपके डिवाइस में ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन जो स्टाइल वगैरह ये सब नहीं आएंगे। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का और लिंक दूंगा जो होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। आप जब रोम को इंस्टॉल करोगे साथ में उसको इंस्टॉल कर देना, कैसे करना वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो अब आप देख सकते हो जैसे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, यहाँ पर अब आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन में जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमारे डिवाइस में वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिवाइस को चालू कर दिया है। और हम बात करें किसी और अदर इस चीज़ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब हम लॉक स्क्रीन जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे डिवाइस में सही तरह से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस रोम में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी इनेबल देखने को मिलता है, जो कि यार काफ़ी बढ़िया बात है। आप कोई सा भी यहाँ पर आपके मन में जो भी है आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं इसको लॉक स्क्रीन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये भी हमारा सही तरह से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक फीचर और आपको देखने को मिलेगा सो एनिमेशन। तो जब भी आपके डिवाइस में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरह से ये एनिमेशन करेगा। तो अब आप देख सकते हो
होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ सब कुछ रिसेंट कर देता हूँ मैं। अब जैसे लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो अब आप देख पाओगे आपको एनिमेशंस देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपके डिवाइस में भी वर्क करेगा। तो कैसे MIUI 11 के ऑफिशियल में करना है उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये फीचर भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसमें दिया गया, यानी कि एम्बेडेड डिस्प्ले, जो कि खाली K20 Pro कुछ अदर डिवाइसेस में देखने को मिलता था जो कि चाइना थे, इंडिया में खाली K20 Pro में देखने को मिलता था कुछ इस तरह से। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी दिए गए हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ हाईलाइटेड फीचर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे। स्क्रीन रिकॉर्डर में आप जैसे जाओगे, यहाँ पर सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम रेट जो इसमें 60 FPS दिया गया है यार, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60 FPS है, 48 है, 30 है, और यहाँ पर 24 और 50 देखने को मिल जाता है। तो 60 FPS दिया गया जो कि बिल्कुल मस्त तरीके से वर्क करता, जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगी मेरे को। ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी बढ़िया पसंद आई। अब हम बात करें कुछ और फीचर्स की, तो कैमरा में हम जैसे जाएंगे, कैमरा में जाने के बाद भाई जो वीडियो है, वीडियो में आपको 4K का, सॉरी गाइस इसमें यार 4K का ऑप्शन मे बी नहीं है, पहले से तो मैंने दूसरा एक और रोम इंस्टॉल किया था जो था Xiaomi.eu रोम, उसमें 4K का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इसमें 4K का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो यार क्या करें, अब भाई नहीं मिलता तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको 4K का ऑप्शन चाहिए तो आप Xiaomi.eu रोम को देख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। बाकी स्लो मोशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 120 FPS में देखने को मिल जाता है, और 120 यहाँ पर FPS में देखने को मिल जाता है, 1080p और 120 FPS में भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर वीडियोस, फोटोज, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का अलग ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके पास Redmi Note 7 है या Note 7 Pro कोई, सॉरी Note 7 या Note 7 S है, दोनों में 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिसमें वर्क करता है उसमें वर्क करेगा, जिसमें वर्क नहीं करता उसके लिए ओनली फॉर नॉर्मल इमेज कैप्चर करेगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पर प्रो मोड भी देखने को मिल जाता है अलग, इसमें भी 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिया गया, और हमारे जो बाहर भी आपको 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिया गया। कुछ इस तरह से यहाँ पर कैमरे में ये जो फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो इसमें आपको भाई सेटिंग में आप जब आओगे, सेटिंग में जाने के बाद इसमें आपको यहाँ पर होम स्क्रीन में ऐप ड्रॉइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप ऐप ड्रॉइड को भी इनेबल कर सकते हो, और ऐप ड्रॉइड में आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ये फीचर्स तो आपको पता ही होगा कि ऐप ड्रॉइड के मिल जाते हैं। यहाँ पर एक सो सर्च बार लिखा हुआ, जैसे इसको बंद कर देता हूँ, अब यहाँ से देख सकते हो जो सर्च बार था वो जा चुका है। फिर दोबारा हम जाएंगे सेटिंग में, मोर में जाएंगे, सर्च बार को इनेबल कर देते हैं, फिर हमारी जो डिस्प्ले फिर दोबारा रिसेट होगी, फिर दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च बार हमारा आ चुका है। कुछ इस तरह के फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, यहाँ पर जैसे चला गया नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोल्डर ब्लर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जो भी आपका होम स्क्रीन पे फोल्डर होता है उसको ये ब्लर कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग चीज़ दी गई है, यहाँ पर ऐप टाइटल इन टू लाइन हाइड ऐप टाइटल, और यहाँ पर आइकन शो, यानी कि जो शेडो वो शो करता है, ये जो आइकन से इनकी शो करता है। अभी मेरा बैकग्राउंड जो ब्लर है वो सॉरी ब्लैक है, इस वजह से भाई यहाँ पर इसकी जो शेडो उसको शो नहीं कर रहा है। तो जैसे आप कोई भी अदर वो करोगे यूज़ वाइट वगैरह, तो उसकी शेडो वगैरह शो करेगा। तो ये जो फीचर्स है इसमें अलग देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस रोम में आपको एक भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कोई बग देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो Xiaomi के ऐड वगैरह होते हैं वो ऐड वगैरह आपको कहीं पर भी देखने को मिलेंगे, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका MIUI वीडियो है, ये भी सही तरह से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और बाकी हम बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यार इसमें फीचर्स तो बहुत सारे, आप इसको यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। देख सकते हो अल्ट्रा बैटरी सेवर भी इसमें दिया गया है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर भी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मान लीजिए आप पबजी वगैरह खेलते हो, तो खेलते हो तो इसमें आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर को साइड से ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देखते हैं गेम बूस्टर में एक ऑप्शन आया हुआ है, इसमें जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये है हमारा वॉइस चेंजर। तो यहाँ पर आप जैसे इसमें गर्ल, वुमेन, मेन, रोबोट और यहाँ पर कार्टून की वॉइस आप लगा सकते हो, यानी कि जब आप गेम प्ले करोगे तो जब भी आपकी जो भी वॉइस होगी वो दूसरे बंदों को उसी टाइप की वॉइस सुनाई देगी, ऐसा है। लेकिन ये अभी थोड़ा कभी कभार वर्क करता, कभी कभार वर्क नहीं करता। मैं आपको ओपनली बता देता हूँ भाई, कभी कभार ही वर्क करता, कभी कभार वर्क नहीं करता, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा गेम प्ले किया नहीं। और बाकी मैं बता दूँ भाई, पबजी में जो गेम है भाई वो HD में ही चलता है, और जो आप अल्ट्रा HD सोच रहे हो वो नहीं चलता, HD में ही चलता है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा कोई वो नहीं, जिस तरह आपका नॉर्मल चलता था उसी तरह चलता है। बस ये है कि गेम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस रोम में आपको फालतू की कोई एप्लीकेशन देखने को मिलते नहीं है, जिससे कि आपकी जो गेम की परफॉर्मेंस है वो रुकेगी और मस्त तरीके से वर्क करती रहती है। बस यही है कि इसकी जो अपडेट्स है भाई वो आपको थोड़े लेट देखने को मिलते हैं, मंथ में आपको देखने को मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलते हैं। अभी एंड्रॉयड 10 का अपडेट आया था, इसलिए इन्होंने एंड्रॉयड 10 का अपडेट दे दिया, जिसमें जनवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो एंड्रॉयड 10 के साथ ये
रोम है जो ऑफिशियल एंड्रॉइड 10 की रोम है जो कि चाइना में, उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिलते हैं, चलता नहीं है बिल्कुल भी सही सही, और उसमें ऐड वगैरह और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पर एनिमेशन आप देख सकते हो, ये जो एनिमेशन है ये काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है। ऐसा नहीं है कि ये एनिमेशन यहीं पर वर्क करेगी, जहाँ पर भी आपका कुछ इस तरह से आ जाता है तो आपका ये एनिमेशन वहाँ पर भी वर्क करेगा। आप देख सकते हो फाइल मैनेजर में चले जाते हैं, यहाँ पर भी एनिमेशन वर्क कर रहा है, तो जहाँ पर भी इस टाइप से आता है यहाँ पर लाइन बन के, तो वहाँ पर ये आपका एनिमेशन वर्क करेगा। आप देख सकते हो एनिमेशन वर्क करेगा, ए टू जेड जगह ये एनिमेशन वर्क करेगा। और इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्काई मोड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम चलते स्काई मोड देख लेते हैं, फिल्टर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते स्काई मोड हमें देखने को मिलता है, अभी डाउनलोड नहीं है, इसको डाउनलोड करूंगा फिर जाके ये चलने लग जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते कलर पॉप देखने को मिल जाता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये कलर पॉप ओनली उन लोगों पर वर्क करता है जैसे कि आपने आपकी पिक्चर है कोई, तो आपका जो बैकग्राउंड वो ब्लर हो जाएगा, सॉरी बैकग्राउंड जो है वो ओनली वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर जो मैं ऑरेंज फॉग रिकवरी को यूज़ कर रहा हूँ, ऑरेंज फॉग रिकवरी का वीडियो नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो कि अभी रिकवरी कैसे इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर वाइप में जाना है, वाइप में जाने के बाद सिस्टम डेटा डेलविक जो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आपको सेलेक्ट कर देना है, ये चारों पाँचों जितने भी सेलेक्ट किए, इंटरनल और माइक्रो एस डी कार्ड और यहाँ पर यू एस बी स्टोरेज, इन सबको छोड़ के स्वाइप टू वाइप कर देना है। जैसे ही वाइप करोगे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपको होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद फाइल्स में जाना है, जहाँ पर भी आपने फाइल डाउनलोड करके रखी होगी आपको सिंपली फाइल पर सेलेक्ट करना है। तो मेरी जो फाइल है वो शायद यूसी ब्राउजर में, हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मेरी फाइल आपको देखने को मिलेगी, ये है मैजिक्स वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको बैक जाना, फिर दोबारा होम पे क्लिक कर देना और आपको कुछ इस तरह से एक फाइल देखने को मिलेगी, यहाँ पर मी वाई ए ओ डी वाली जो लेवेंड्रा, आपको इस पर क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ इस तरह से, दोनों चीज़ एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको रिब्यूट पर टैप कर देना। रिब्यूट पर टैप करने के बाद जो आपकी शाओमी वो यहाँ पर जो मैजिक्स रोम है वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, जो आपके डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी इनेबल्ड हो जाएगा। अगर इनेबल्ड नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लेना, या आप देखो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको जाके ज्वाइन करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और आप देख सकते हो इसका बूट एनिमेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चाहिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।